स्टेट की परीक्षा और परिणाम में देरी क्यों हो रही है, हाईकोर्ट में क्यों मामला लटका रह जाता है नवीन जी, तो ये सब बातों को लेकर अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली सरकार की मंशा ही नहीं है बहाली करने की, लगातार इस पर टाल मटोल करने का रवैया जो सरकार का है, इसे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार जो है सो बहाली नहीं करना चाह रही है। चुनाव के टाइम आते ही विज्ञापन दिया जा रहा है, इसके बाद एग्जाम लिया जा रहा है, फिर कैंसिल किया जा रहा है, फिर पुनः एग्जाम का डेट दिया जा रहा है, आंसर की दिया जा रहा है, और फिर भी अब जब सारे होने के बाद भी सरकार अगर बहाली नहीं ले रही है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है बहाली लेने की। और जो घालमेल हो रहा है एग्जामिनेशन में, जैसे कि ये 94,000 बहाली जो था प्राइमरी का, तो उसमें देरी का नियत सरकार मंशा क्या सोचती है? आप लोग अभ्यर्थी हैं तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सरकार? सरकार तो सबसे पहले 94,000 बहाली को एक दूसरे से अति करवा केस करवा करके इसको टाल मटोल कर रही है। सरकार ही करवाती है? बिल्कुल करवा रही है। आपके रंजीत कुमार सिंह गुट बुला बुला करके लोगों को केस करवा रहे हैं, कभी NIOS वाला मुद्दा को उठा देते हैं। जब आप विज्ञापन में दिए थे कि 18 महीना का डील नहीं वैलिड है, तो फिर कैसे फिर हाईकोर्ट उसको कैसे वैलिड दे दिया भाई, कैसे वैलिड दे दिया? ठीक है, इसके बाद जब आपका 31 अगस्त था लास्ट विज्ञापन में जो 1.5 का था, उसको बढ़ा करके नवंबर कर दिए, फिर जब वो सब मुद्दा खत्म हुआ दिसंबर वाले बुला दिए, दिसंबर वाला मुद्दा खत्म हो गया, अब क्या मुद्दा रह गया है भाई, अब क्यों नहीं बहाली करा रहे हैं, अब क्या परेशानी है? आप तो कोर्ट बहुत खेल लिए, अभ्यर्थी को मूर्ख बना करके लगातार कोर्ट खेलते रहे, अब तो कोई कोर्ट का मुद्दा रह नहीं गया है, फिर भी इस तरह से क्यों किया जा रहा है? अब सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण करे तब तो। अच्छा, एक और बातें हैं, बिहार SSC में 7-7 साल हो गया, तो ये बहाली में देरी क्यों हो रही है दर, और धांधली पर क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा में जो अगर जो नियमावली जो है और उस पर अगर मेरे समझ से नियमावली में लाइव तरीका से अगर किया जाता तो धांधली की संभावना नहीं रहती, लेकिन प्रखंड वाइज पंचायत वाइज इस तरीके से करके एक अभ्यर्थी 100 जगह 200 जगह 300 जगह अप्लाई किए हुए हैं, मान लेते हैं कि मेरा मेघा सूची 90% है, तो मेरा अरवल में भी हो जाएगा, जहानाबाद में भी हो जाएगा, पटना में हो जाएगा, समस्तीपुर में हो, दरभंगा में, मतलब सब जगह सीट को अधिक मेघा सूची वाले कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो फिर सीट रिक्त रह जाएगी, फिर उस पर 2 साल सरकार घींचेगी। इस तरह से सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। और एक और बातें हैं, दरोगा बहाली, अब जो एक नया कानून को हुआ है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे, जो आंदोलन करेंगे, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, ये रवैया कहाँ तक मुख्यमंत्री जी को, अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, वो क्या संदेश या क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को इस बात को सोचना चाहिए कि आप भी एक छात्र आंदोलन का ही उपज हैं, JP के छात्र आंदोलन का ही, आज जो भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं JP आंदोलन का ही उपज है, और जिस तरह से आप जो काला कानून बना रहे हैं वो अपने आप में एक हास्यास्पद है। अगर अपने मुद्दा को नहीं रखेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो ये लोकतंत्र का मतलब क्या है, तानाशाही हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ दिन पहले आया था कि धरना प्रदर्शन ये सब करने में अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे या जो मंत्रालय है उसके खिलाफ अगर बोलेंगे तो आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अभी की जा रही है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, स्टेट बीटेड सीटेड 94,000 बहाली को लेकर क्या बोले नवीन जी, जरा बता दीजिएगा। तो 94,000 बहाली में सरकार का जो नियत है स्पष्ट नहीं है, वो लगातार एक दूसरे से केस करवा करके नियोजन को खींच रही है, हमेशा नियोजन का डेट निकाल रही है सरकार, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं कर रही है, इसे साफ जाहिर हो रहा है। सर आप तो कोर्ट सारा खेलते हुए सारा केस खत्म हो चुका है, फिर भी
अभी तक बहाली की प्रक्रिया का कोई अथी नहीं हुआ है, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, चलिए हम इन तमाम बातों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। दरोगा बहाली हो, बिहार स्टेट हो।